मुझे एक एक्सपोजर और मिल रहा है, इट्स अ ग्लोबल एक्सपोजर, क्योंकि देखा जाए तो अक्सर होता क्या है, अगर हमारे पास ज्ञान है तो हमें उसे यूटिलाइज डेफिनेटली करना चाहिए. और ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें मेरा बचपन से इंटरेस्ट है. आई एंजॉय टॉकिंग टू पीपल, उनके लिए एक सर्विस है ये एक तरह से, कि अगर ईश्वर ने मुझे कुछ दिया है तो उस ज्ञान को मैं लोगों के जरिए फैला पा रही हूँ, बांट पा रही हूँ. वेल, ये मेरे सूफी गुरुजी के द्वारा स्टार्ट किया गया है, एंड मेरे मामा जी हैं भरत मामू, उन्होंने हमेशा मुझे इंस्पायर किया है और मुझे बचपन से बोला है कि मैं एस्ट्रोलॉजी या टैरो में आऊं, बिकॉज आई वाज इनटू ऑल टुगेदर अ डिफरेंट फील्ड. और उन्होंने मुझे बचपन से कहा कि मुझे ये करना चाहिए. तो अर्लियर आई यूज टू प्रेडिक्ट, काफ़ी चीज़ें प्रेडिक्ट करी थी, और अब जैसे ही बड़ी हुई हूँ तो चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रही हूँ, एंड नाउ प्रोफेशनली आई एम डूइंग इट, बिकॉज यूजुअली इन चीज़ों का जो एनर्जी एक्सचेंज होता है उसको प्रोफेशनली करेंगे तो उसका ज़्यादा असर होता है. तो आई फील दैट मुझे करना चाहिए. ये तो मैं यही बोलूंगी कि मेरे मामा जी की भविष्यवाणी, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि मैं काफी दिग्गज लोग, नामचिन लोगों को भी एक दिन मेरे से कंसल्टेशन लेंगे, वो चीजें हो रही है. तो जैसा जैसा प्रभु की इच्छा है हो रहा है. आपकी फैमिली किस तरह से आपको सपोर्ट किया है इस पूरी जर्नी में, कुछ बारे बता सकते हैं? सी, फ्रॉम माय फादर्स साइड हम लोग वशिष्ठ फैमिली से हैं, एंड फ्रॉम माय मदर्स साइड सूफिज्म का ज्यादा चलन है. तो और मेरे गुरुजी भी जो हैं वो सूफी हैं, तो फैमिली तो सपोर्ट करती है. और ये चीजें बचपन से है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि सीखा है या कुछ. तो फैमिली तो कुछ नहीं बोलती है, फैमिली इज प्रीटी हैप्पी अबाउट इट. यू आर अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी. फिल्मों की बात करें तो टीडी संस्कृत फिल्म फ्रॉम यू आर पार्ट ऑफ इट, यू कैन हाईलाइट दैट अगर यू कैन बता सकते हैं. यस, दैट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D संस्कृत फिल्म. अगेन आई विल गिव द क्रेडिट टू माय गुरुजी एंड माय पेरेंट्स, बिकॉज़ माय गुरुजी प्रेडिक्टेड दैट आई वुड बी मेकिंग अ गुड नेम. तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि मैंने संस्कृत फिल्म करी. थैंकफुल टू माय डायरेक्टर एंड पीपल हु सपोर्टेड मी. तो वो भी एक हिस्सा रहा है, बट मुझे ग्लैमर से ज़्यादा ग्लैमर भी, यस ऑफ कोर्स आई एम ग्लैमरस, बट इतना नहीं. तो मुझे स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आई एंजॉय दैट. फिल्मों में आपको अगर मौका मिलता या मौका मिला होगा, क्या आप उसे बनाना चाहती, यानी कि आप पिक्चर का हिस्सा बनना चाहती फिल्मों का? See, till the time the work comes with respect, I have not decided yet, but yes, till the time the work comes with respect, I will do that. Respect matters. और ये एक ऐसी field है जिसमें मैं इस वक्त हूँ, respect आती है, right? You are known personally कि पूरे India और India के बाहर भी आप travel करते हैं, तो how you tackle all this life in your life? I enjoy that. Tackle ki to baat hi nahi, I enjoy that. I love to travel, I love to interact with people, and I think this is the best platform jisme main hu is waqt. Jaise ki I enjoy talking to people, to main Astro Sage se bhi judi hui hu Tarot Wafia ke naam se, so I enjoy that. Tell us about kya kuch jo janta shayad janti nahi hai astrology ke bare mein, kya reading ke bare mein kuch bhi bata sake unhe, देखिए जो ज्योतिष है, पहली बात तो मैं ये बताऊंगी, ज्योतिष वो ज्ञान है, वो गणित है, मैथमेटिक्स है, जिसको अगर समझ के किया बिना वहम के, क्योंकि अक्सर लोग डर जाते हैं, तो जो ईश्वर के प्रति प्रेम होता है उसको उजागर करके अगर आप ज्योतिष को समझेंगे और लॉजिकली समझेंगे, so it is going to make sense to you, it is going to help you in all the aspects of your life, and definitely ये बहुत मदद करता है, लोगों को रास्ता दिखाता है, बशर्ते वो लोग जो कि ज्योतिष के नाम पे डराते हैं
उनसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष एक बहुत कठिन गणित और सरल ज्ञान है। तो इसको समझ के अगर कोई ज्योतिष आपको बताते हैं तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। बट अगर आपको कोई डराता है, भयभीत करता है, तो फिर क्या कहना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। बट हाँ, बहुत सारे लोग ये भी है कि ठगते हैं और इंसान को बेवकूफ बनाते हैं और ज्योतिष विद्या के नाम पे या इन सब चीजों के नाम पे, उनके बारे में क्या मैसेज आएगा? नो कमेंट्स, पर मैं इतना जरूर कहूंगी, ज्योतिष वो ज्ञान है जिसको आपको लोगों के मदद के लिए बनाया गया है। अगर आप ज्योतिष हैं या कोई साइकिक मीडियम है, तो ईश्वर ने आपको चुना है कि आप लोगों की मदद करें, ना कि उन्हें डराएं। क्योंकि अगर आप लोगों को डराएंगे, उनसे पैसा ठगेंगे, पैसा लेना इज नॉट अ बैड थिंग, बट उनका कोई काम ना करना, उन्हें ठगना, बेवकूफ बनाना, वो तो फिर कर्मा सबको देखना पड़ता है ना। मैंने किसी सुना था, किसी कहा था मैडम ने कि वो खुद भी एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा ज्ञान का भंडार है, जिंदगी बीत जाती है लेकिन आप सीखते ही रहते हैं। क्या बिल्कुल सही कहा है? बिल्कुल सही कहा है, जिन्होंने भी कहा है, क्योंकि हम जब तक जिंदा हैं हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। इट्स जस्ट दैट वी नीड टू बी ओपन टू लर्न। इफ वी आर ओपन टू लर्न तो हमेशा स्टूडेंट बन के चलेंगे, लोगों से ज्ञान प्राप्त करेंगे। शायद आप मुझे कोई ज्ञान की बात बता दो, मैं आपको बता दूं, बस ईगो नहीं आना चाहिए और हमेशा अपने आप को ये नहीं समझना चाहिए कि हम परिपूर्ण हैं। आपसे अगर कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े, या किसी की कोई समस्या आपके तरफ आपके पास लेकर आना चाहते तो कैसे हो? मैं स्पिरिचुअल वाफिया के नाम से इंस्टाग्राम में हूँ और दीज आर माय डिटेल्स। और क्या कुछ करना चाहती है मैम आप और जिंदगी में इसके अलावा कुछ सोचा है? आपने फिल्मों का भी साथ आप बनी है और स्पिरिचुअली काफी स्ट्रॉन्ग है, क्या कुछ करना चाहते हैं? स्ट्रॉन्ग तो मैं क्या बोलूँ, मैं इतना कहूँगी आई एम प्रोटेक्टेड एंड ब्लेस्ड बाय गॉड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बोलना एक ईगो आ जाएगा, है ना। तो फिल्म्स, इट्स लाइक मैंने आपको अभी भी बोला, इज्जत से कोई काम आता है तो सर आंखों पर है, बट ये है कि कला की मैं इज्जत करती हूँ बशर्ते, बट मेरा इंटरेस्ट अभी फिलहाल के लिए आई एम एंजॉइंग द स्पिरिचुअलिटी। एक सवाल अलग से है मेरा मैम, क्या अगर आप उसका हाईलाइट करना चाहेंगे तो प्लीज करिएगा। बॉलीवुड के लिए ये साल काफी अच्छा नहीं रहा है, वजह क्या है आपसे जानना चाहूंगा? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक चीज से बहुत भयभीत भी रहती हूं, वो है पॉलिटिक्स। तो मैं ऐसा कोई डेरोगेटरी कमेंट नहीं करूंगी। बाकी ये है, कला जो है, फिल्म जो है, वो अगर कला के नजरिए से देखी जाए और इज्जत से देखी जाए, जो कि जिसको हम सिनेमा बोलते हैं, वो बनना काफ़ी, कहते हैं ना, बहुत दूर का टाइम हो चुका है कि फिल्में बनती थी, फिल्म्स, सिनेमा अभी बन रही है, इट्स फॉर द एंटरटेनमेंट। तो फिल्म के लिए बुरा तो खैर नहीं रहा है, अभी भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स आई हैं, तो नो कमेंट्स, बट यस एंटरटेनमेंट जो है वो हम जहाँ पे इस वक्त हैं, मुंबई, मुंबई इस जगह मतलब एंटरटेनमेंट का गढ़ है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में अच्छा ही करेगा फिल्मी जगत, ये बंद नहीं होगा, बुरा तो नहीं रहा है बट रहेगा, एंटरटेनमेंट विल नेवर बी स्टॉप। वो फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस इन हिंदी फिल्म्स, फेवरेट एक्टर नहीं, ऐसी कोई मेरी तमन्ना नहीं है ना, दिली ख्वाहिश है। I'm choosy about the script, not about the actors. I like scripts rather than, you know, people, because all are made by God and scripts are made by human. कुछ message रहेगा आपका जनता को जो आप जैसा बनना चाहती है, बनना चाहते हैं life में, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं यही बोलूँगी कि इंसान को कर्म प्रधान होना चाहिए और ज्योतिष में आप ज्ञान लीजिए, डरिए मत, वहमों में मत पड़िए, और ज्ञान लेके उस पर अमल कीजिए, उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो आई थिंक इट इज गोइंग टू हेल्प। कुछ कहना चाहूँगा, किस तरह के लोग आपके पास आते हैं या आ जाए हैं या इस बड़े एग्जीबिशन का हिस्सा बने और आपके पास पहुंचे, क्या उनकी प्रॉब्लम्स, अगर उस बारे में प्रॉब्लम्स मैं किसी की डिस्कस नहीं करूंगी बिकॉज ये बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, बट लोग जो भी आते हैं बहुत प्यारे होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब इंसान बेचारा कुछ लाइफ में फेस कर रहा होता है तभी वो आता है और जानना चाहता है अपने बारे में, जब वो
कंफ्यूज होता है, थोड़ा उलझा हुआ होता है, दे वॉन्ट कि उनको कोई रास्ता दिखे, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि उन्हें रास्ता दिखे। बाकी 80% आई कैन गिव द क्लैरिटी, 100% आई कैन नेवर से बिकॉज आई एम नॉट गॉड, राइट। और अगर कोई 100% क्लेम करता है तो उस इंसान से ज़रूर भयभीत होइएगा, क्योंकि 100% ईश्वर, खुदा, गॉड के अलावा कोई नहीं कह सकता है। 80% जो भी होता है वो ज्योतिष आपको एक रास्ता बता सकता है, बाकी 100% कभी भी ज्योतिष या दुनिया का कोई भी शख्स या इंसान सही नहीं हो सकता है। इट्स ऑलवेज गॉड। एक ही सवाल याद आ रहा जन में, कि आज के जो लोग हैं बहुत स्ट्रेस में रहते, बहुत टेंशन में रहते, बहुत नेगेटिव अप्रोच के साथ लाइफ जीते, उनको क्या है कुछ टिप्स देंगे ऐसा कुछ? अगर उन्हें अपना चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और चंद्रमा से जुड़ा हुआ है चांदी, चांदी वैसे भी कहते हैं शीतल करता है मन को, सो इट्स अ टिप एज वेल, चांदी का इस्तेमाल करें। और जरूरी नहीं है चांदी, आप अपना जो आपको सूट करता है, अगर आप को सूर्य की कोई चीज़ धातु सूट करती है तो गोल्ड का इस्तेमाल करें, वरना जिनका मन, जिन्हें गुस्सा ज़्यादा आता है उन्हें चांदी यूज करनी चाहिए। थैंक यू। आई हैड अ वेरी पॉजिटिव रिव्यू ऑफ व्हाटएवर शी टोल्ड मी, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज शी वाज सो एक्यूरेट ऑन व्हाटएवर शी सेड, and I think people will get a genuine source to connect. She has the solutions, so people can, you know, like comfortably ask what they want to ask, because I think her energy is quite positive. कई बार कि आप कहीं जाते हो या ऐसे कई बार ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हो तो आपको शांति कम देता है लेकिन भ्रमित ज्यादा कर देता है, टेंशन ज्यादा देता है। मुझे लगता है काफी फ्रेंडली सोल है ये, आप उनसे बात कीजिए और कनेक्ट करने की कोशिश करिए, हर बंदा नहीं ऐसा होता है, बट आई थिंक शी इज लाइक क्वाइट पॉजिटिव, सो यू शुड आस्क क्वेश्चंस विद हर, शी सीम्स टू बी क्वाइट जेन्युइन एंड आई हैव ऑलवेज फाउंड अ सॉल्यूशन विद हर। मुझे बिना बताए उन्होंने बहुत कुछ बताया, तो मैंने तो सिर्फ अपना बर्थ डेट और कार्ड पूछा था एंड आई डिडंट आस्क हर एनीथिंग, बट हैट्स ऑफ, आई डोंट नो, शी वाज लाइक टू गुड। जरूर जरूर, अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों को बताना आसान नहीं होता, बट इनके साथ आप शेयर कीजिए, आई एम श्योर पीपल विल फाइंड अ सॉल्यूशन विद व्हाटएवर दे वांट टू आस्क। थैंक यू सो मच। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, जो मैंने पूछा वो मुझे उसके आंसर्स मिले एंड आई एम सैटिस्फाइड विद द आंसर्स एंड वेटिंग फॉर गुड थिंग्स टू कम इन माय लाइफ। क्या कुछ जो प्रॉब्लम्स थी आपकी, क्या वो सॉल्व हो गई अगर देखा जाए? यस, मेरे जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स मुझे मिले एंड उसके सॉल्यूशंस भी उन्होंने मुझे दिए, तो यस। भी क्या होता है कि बहुत सारी चीजें भी हमें पूछनी होती है और हमें सही इंसान नहीं मिल पाता, तो इज इट पॉजिटिव वाइब फॉर मी? यस यस वेरी मच। बाकी लोगों को रिकमेंड करेंगी आप? श्योरली। थैंक यू। थैंक यू। आपको बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ पर इस एग्जीबिशन में आप मैम से मिली, आपने कुछ प्रॉब्लम ज्यादा होगी वो आपने शेयर की होगी, क्या कुछ सोल्यूशन मिला है और यहाँ पर कितना अच्छा लगा? या सो मैंने मैम के पास से रीडिंग लिया, सो इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, जो जो बातें उन्होंने मुझे बताई वो बहुत ही जेन्युइन थी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाटएवर शी हैज आस्क्ड मी टू डू, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। यस यस डेफिनेटली। क्या लगता है रिकमेंड करेंगी बाकी लोगों को मैम के यहां पर आने के लिए? श्योर श्योर, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड द पीपल टू कम हियर। थैंक यू।